फिर एक बार छलका सीएम योगी की आंखों से आंसू। पहली बार सदन नहीं बल्कि मीडिया के कैमरे में बिलबिलाए योगी। अपनी बहन के हालात को देखकर सीएम योगी का छलका दर्द। पहली बार दिखा परिवार का योगी के चेहरे पर दर्द। देखिए कितने बुरे हालात में जिंदगी काट रही है सीएम योगी की बहन। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को आपने हर बार विपक्षियों पर हमलावर होते हुए जरूर देखा होगा। कभी सीएम योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर आपने मायूसी नहीं देखी होगी। लेकिन सीएम योगी की जिंदगी में दो ऐसे लम्हे आए जिस पर पत्थर दिल रखने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ पिघल गए और उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। पहला वाक्य था जब योगी आदित्यनाथ संसद में हुआ करते थे और मुलायम सिंह यादव की सरकार योगी आदित्यनाथ ने जो मुसीबतें झेली उसको याद करते हुए सदन में सबके सामने रो पड़े थे, जिसकी चर्चा आज भी मीडिया करती है। सर मुझे बोले बोले डोंट बी टेल इट। लेकिन इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ को उनके परिवार के हालात ने मीडिया के कैमरे के सामने रोने को मजबूर कर दिया। पहले यह वीडियो आप देखें। सब अपने परिवार का ध्यान रखते हैं, आप भी थोड़ा ध्यान रख लेते। मैं देखिए एक योगी हूं और मुझे एक बड़े न्यूज चैनल के एंकर ने सीएम योगी आदित्यनाथ से कहा कि राहुल गांधी ने अपनी बहन को यूपी चुनाव में उतारा है और आपकी बहन की कुछ तस्वीरें मैंने देखी हैं। वह तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं, कैसे वह रहती हैं। वहां जब लोग जाते हैं तो आपकी बहन उनसे पूछते हैं उत्तर प्रदेश का हालात कैसा है और फिर तस्वीरें दिखाई जाती हैं। जैसे कि सीएम योगी के सामने यह तस्वीरें आती हैं वैसे ही सीएम योगी की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं, कुछ देर के लिए खामोश हो जाते हैं। दरअसल उत्तराखंड में सीएम योगी आदित्यनाथ की बहन एक छोटी सी दुकान चलाती हैं, वह भी प्रसाद की दुकान है। गरीबी की हालात देखकर सीएम योगी आदित्यनाथ रोने लगते हैं। फिर आगे एंकर ने कहा कि आपको नहीं लगता कि सब अपने परिवार का ध्यान रखते हैं, आप भी थोड़ा रख लेते। देखिए सीएम योगी क्या बोलते हैं। राहुल गांधी ने भी अपनी बहन को उत्तर प्रदेश के मैदान में उतारा है और आपकी बहन की कुछ तस्वीरें मैंने देखी हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे वो रहती हैं और किन हालात, और मुझे पता चला कि जब वहां लोग जाते हैं तो उनसे पूछती हैं उत्तर प्रदेश का हाल क्या है। ये तस्वीरें देखिए। कई किलोमीटर पैदल चल के घर से आती हैं, एक चाय की दुकान चलाती हैं, प्रसाद की दुकान चलाती हैं। तो आपको नहीं लगता कि सब अपने परिवार का ध्यान रखते हैं, आप भी थोड़ा ध्यान रख लेते। मैं देखिए एक योगी हूं और मुझे पूरे प्रदेश का ध्यान रखना होता है और मुझे लगता है कि एक मुख्यमंत्री के रूप में मैंने अपने राजधर्म का शपथ ली है, परिवार का नहीं। ये ठीक है योगी जी, आपने परिवार का ध्यान न रख के सन्यासी के तौर पर पूरे प्रदेश का ध्यान रखा है, आप अपनी बहन का ध्यान न रख के उत्तर प्रदेश की बहनों का ध्यान रखा है। काफी देर तक सीएम योगी बोलने की